हाय फ्रेंड्स, आज हम बेंजीन का नाइट्रीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बेंजीन का अभिक्रिया। इसमें सबसे पहले हम पढ़े थे बेंजीन का हैलोजनीकरण। ठीक है, तो जो बेंजीन का हैलोजनीकरण पढ़े थे वहाँ पे आपको हम बताए थे कि जो बेंजीन होता है वह इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। ठीक है, और उससे संबंधित हम चार रिएक्शन वहाँ पे लिखे थे। एक था आपका बेंजीन का हैलोजनीकरण, जिससे कि X प्लस इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था, जिसको हम पढ़ चुके हैं, अगले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और आज जो हम पढ़ेंगे वो नाइट्रेशन होगा, जिसमें से NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वह सल्फोनेशन होगा, जिसमें से SO3H प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। और उसके अगले क्लास में, यानी कि आगे भी दो लेक्चर आने वाला है, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर? तो डालिएगा हेडिंग, ये आपका सेकेंड लेक्चर होगा बेंजीन की अभिक्रिया का। क्या? तो बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण, बेंजीन का नाइट्रीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए। तो बेंजीन से तो आप लोग परिचित हो, बहुत सारा बेंजीन के बारे में हम डिस्कस किए थे। यही ना बेंजीन, इसके बारे में तो आप परिचित ही हो कि यह बेंजीन है, यह आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता है। जिसमें मैग्नीशियम के इसमें तीन स्टेप होता है। सवाल यह रहा कि नाइट्रीकरण क्या है। शायद आप इस नाम से परिचित अभी नहीं हुए हो। देखो, नाइट्रीकरण की यदि हम बात करें तो नाइट्रीकरण का मतलब है यहाँ पे NO2 प्लस नाइट्रो करके कुछ आने वाला है, नाइट्रो। ठीक है, तो क्या नाइट्रो अपने आप से चला आएगा? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे इस नाइट्रीकरण में क्या यूज करने वाले हैं? तो हम बेंजीन के साथ यूज करेंगे सांद्र HNO3। देखो, सांद्र दोनों यूज करेंगे, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। सांद्र HNO3 भी यूज करेंगे हम, सांद्र H2SO4 भी यूज करेंगे। यही दोनों से कॉम्बिनेशन होकर क्या निकलेगा? NO2 प्लस निकलेगा, अर्थात हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे। तो समझो ध्यान से, बेंजीन तो लिख देते हैं बेंजीन। यहाँ पे आपको पता ही है कि जो बेंजीन है, पहले छोड़ रहा हूँ, समझो ध्यान से, इसको रिएक्शन कराना है सांद्र HNO3, सांद्र HNO3, और इस एरो के ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाए सांद्र H2SO4। ठीक है, अब क्या बनेगा? तो कुछ नहीं, यह बेंजीन है और इस बेंजीन पे क्या जोड़ दो, NO2, कुछ ना कुछ तो बनेगा। ऐसा नहीं कुछ नहीं बनेगा, इसको तो आप बेंजीन बोले हो, अच्छी बात है, बेंजीन है भी। बेंजीन पे NO2 है तो इसको हम बोलेंगे नाइट्रो बेंजीन। क्लियर? अब इस नाइट्रो बेंजीन के साथ साथ कुछ और मिलेगा हमको, क्या? तो हमको मिलेगा H2O, हमको मिलेगा H2SO4, जो कि साइड प्रोडक्ट होगा। और कभी भी साइड प्रोडक्ट से हमको कोई लेना देना नहीं होता है, हमको नाइट्रो बेंजीन से ही, मतलब इधर क्या बना उससे कोई लेना देना नहीं है। ये रहा आपका बेंजीन का नाइट्रीकरण का अभिक्रिया। ध्यान से समझो, साल 2018 में क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है बोर्ड में, आपसे सवाल किया गया था
कि बेंजीन का नाइट्रीकरण का समीकरण लिखें, समीकरण लिखें या अभिक्रिया लिखें, तो आपको क्या लिखना होगा, यही वाला पूरा लिख देना होगा, ठीक है। चलिए, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे NO2 प्लस आया, कैसे अटैक किया। जैसे कि पिछले लेक्चर में जब हम लोग हाइलोजिनेशन पढ़े थे, क्लोरीनेशन पढ़े थे, क्लोरीनीकरण पढ़े थे, ब्रोमीनीकरण पढ़े थे, तो वहाँ पे आपको क्या लिए थे हम, Br प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे, Cl प्लस को इलेक्ट्रोफाइल बनाए थे, फिर अटैक कराए थे, सारा उसका कार्य विधि देखे थे कैसे बना। तो हम इसको भी देख लेते हैं, इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम देख लेंगे कैसे कार्य विधि, यानी कैसे यह बना नाइट्रोबेंजन, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग कार्य विधि की चर्चा करते हैं कैसे बनाया। चलिए, चलो क्योंकि तो रिएक्शन हमारा यही था ना, कंसंट्रेटेड HNO3 यानी कि सांद्र, इसी को हिंदी में क्या बोलेंगे, सांद्रण, यानी कि सांद्र, सांद्र यानी कि मतलब कि गाढ़ा, और इसके ऊपर आपको सांद्र H2SO4 और आपको मिला हुआ था बेंजीन, इस पे NO2 और प्लस H2O और प्लस H2SO4। देखिए, बेंजीन जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। आपको हम पिछले लेक्चर में ही बताए थे कि इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का जो रिएक्शन प्रोसीड होता है वह तीन तरह से होता है। पहले स्टेप में बनता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, और चौथा, दूसरा तो हो गया, दूसरे के बाद तीसरा ना, चौथा नहीं, तीसरा, तीसरा स्टेप में क्या होता है, तो हाइड्रोजन रिंग होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से हाइड्रोजन हटता है, और हाइड्रोजन हटने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वह बन जाता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे भी तीन स्टेप होगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या कहानी होगी, ध्यान से समझो, इलेक्ट्रोफाइल यानी कि ई प्लस का निर्माण, ई प्लस यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण कैसे, तो देखो ये जब आपका HNO3 ना, HO एंड डबल बॉन्ड O, O यही है आपका HNO3, और है आपका इधर H2SO4, H, क्लियर। देखो H2SO4 जो होता है अधिक अम्लीय होता है किससे, HNO3 से। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल, तो H2SO4 जो होता है HNO3 से अधिक अम्लीय होता है। अधिक अम्लीय कहने का तात्पर्य यह है कि वह जल्दी आसानी से H+ को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जैसे H+ को रिलीज करेगा तो यह H+ कहाँ जाएगा, इस NO2 के ऑक्सीजन के पास, और इसके बाद का जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वह कुछ इस तरह से आएगा, O H और फिर आपका N डबल बॉन्ड O और O, ठीक है, और कुछ दोगे हाँ, प्लस एच ओ फोर, ए माइनस हो गया ना, तो एच एस ओ फोर माइनस, क्लियर। अब देखो ऑक्सीजन जो कि एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है ऑक्सीजन, ठीक है, जिसका वैल्यू 3.5 होता है। अब क्या करेगा, ध्यान से समझो, ये तीन बॉन्ड बना लिया है तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, तो किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व पर प्लस चार्ज आना मतलब कि भूकंप जैसा, समझ रहे हो, कोई भी विद्युत ऋणात्मक तत्व पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर सहन नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, किस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद या न्यूट्रल होकर क्या बन जाएगा, H2O और प्लस NO2, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज, देखो तो यही तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब देखिए स्टेप नंबर सेकंड में क्या कहानी रही होगी, स्टेप नंबर सेकंड में जो कहानी है
अब तो बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब यह इलेक्ट्रोफाइल है यानी कि जो आपका यहाँ पर NO2 प्लस जो है, यह NO2 प्लस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। अटैक करने का मतलब कि आक्रमण करेगा। तो सोचो NO2 प्लस हम यहाँ पर ले लेते हैं NO2 प्लस और बगल में हमारे पास बेंजीन है। सोचो ये जो NO2 प्लस है यह जाकर ऑटोमेटिकली अटैक करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा सा चार्ज इधर उधर करना पड़ेगा। तो क्या करेगा बेंजीन? आपको पता है कि बेंजीन के अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो बेंजीन रेजोनेंस करेगा और जैसे रेजोनेंस करेगा तो थोड़ा सा निगेटिव इधर पहले पॉजिटिव हो, जैसे निगेटिव दिखा प्लस वाला तुरंत इस निगेटिव के पास जाकर जुट गया और जुड़ने के उपरांत कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिला। आप पाओगे कि बेंजीन ऐसे और यहाँ पे आपका NO2, यहाँ पे प्लस और इसी को तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला करते थे ना। तो अब जो NO2 है यही है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इस तरह से बन गया। स्टेप नंबर टू में कहानी यही, दैट कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर थर्ड में क्या कहानी होगी सुनो ध्यान से। स्टेप नंबर थर्ड में जो होगा H प्लस हटेगा और नाइट्रोबेंजीन बनेगा, और नाइट्रोबेंजीन बनेगा H प्लस का हटना, स्टेप थर्ड यही बताए थे ना। अब जरा सोचिए H प्लस हटेगा तो कैसे हटेगा? देखो तो तेरा आपका बेंजीन और इस बेंजीन पे प्लस चार्ज, यहाँ पे आपका NO2, आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन। अभी यह हाइड्रोजन मान लो हटेगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, तो इस हाइड्रोजन को लेने के लिए कौन खड़ा है यहाँ पर? तो HSO4- जो कि यहाँ पे बेस का काम करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा और H+ को यहाँ से एक्सेप्ट किया, यह बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यह कुछ इस तरह से बना NO2, और इसको हम बोल देते हैं क्या, नाइट्रोबेंजीन। हाँ लिख लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रोबेंजीन। तो ये कैसे बना आप यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, क्लियर। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इस नाइट्रोबेंजीन से रिलेटेड कुछ और भी रिएक्शन हम देख लेते हैं। चलिए तो लिखिए इसको। चलिए तो आगे हम बात करते हैं इस नाइट्रोबेंजीन के कुछ रिएक्शन की। देखो मान लो यह नाइट्रोबेंजीन है, मानना क्या है ही, ठीक है। इस नाइट्रोबेंजीन में जैसे ही हम SnHCl, FeHCl, AlCl4 या NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यह जो बनता है आपका बेंजीन, यह NO2 की शिप पे अटैक हो जाता है NH2 पे, क्लियर। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलना कि जैसे इस नाइट्रोबेंजीन को SnHCl या FeHCl या AlCl4 या NaBH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन पे क्या अटैच होता है? NH2। और इसी को क्या बोलते हैं? एलिन। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर यह क्या है, SnHCl क्या है, FeHCl क्या है, AlCl4 क्या है, NaBH4 क्या है? तो खैर हम इसकी बात अभी करेंगे, पहले समझो ध्यान से सवाल यहाँ से कैसे आते हैं। देखो यहाँ से सवाल आने का तीन चार तरीका से आ सकता है। कहने का मतलब यह है, पहला तरीका आपसे कहेगा
कि नाइट्रो बेंजीन से एनिलीन बनाइए। नाइट्रो बेंजीन से क्या बनाइए? एनिलीन बनाइए, यही काम करना होगा। दूसरा तरीका यहाँ से पूछ सकता है, क्या होता है जब नाइट्रो बेंजीन को SnHCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तीसरा सवाल यहाँ से इस तरह से आ सकता है, क्या होता है जब नाइट्रो बेंजीन अवकृत होता है? अवकृत होता तब भी आंसर क्या होगा? एनिलीन बनता है। अब हम समझते हैं कि आखिर जो हम यहाँ पे SnHCl लिए हैं, FeHCl लिए हैं, जो यहाँ पे हम LiAlH4 लिए हैं, जो यहाँ पे हम NaBH4 लिए हैं, यहाँ पे HI भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसका काम क्या है? तो याद रखना कि इसका काम यही है, देखो ध्यान से, यह जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, यह क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब कहोगे हिंदी इसका, तो हिंदी इसका होता है अकारक। इसका काम क्या है? ध्यान दो, इसका काम क्या है? यह जहाँ जाएगा वहाँ H+ को जोड़ देगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा? जोड़ देगा, और कप्पा कंपाउंड क्या होगा? अवकृत हो जाएगा। तो बात को ध्यान से सुनो, क्या कहना चाहता है, सुनो ध्यान से। हमारे पास दो टर्म होता है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। हालांकि इसका रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक और अकारक का एक वीडियो हम बनाएंगे इसके आगे, मतलब कि जो बेंजीन का रिएक्शन चल रहा है इसके अंत में आपको आएगा एक लेक्चर जिसमें कि हम ऑक्सीकारक और अकारक की बात कर रहे होंगे। तो पहले समझो ध्यान से क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे थे, हाँ, जो ऑक्सीडेशन होता है ना उसका काम होता है कि वह उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना, उसी को क्या बोला करते हैं हम ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का हटना उस प्रोसेस को भी क्या बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ऐड हो जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिडक्शन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हटना उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं रिडक्शन यानी कि अवकरण। एक ऑक्सीकरण और एक अवकरण। तो जरा सोचो, यह H+ को दे रहा है, H+ जाकर जोड़ दे रहा है, तो यह H+ को दे रहा है तो NO2 क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, NO2 तो अवकृत हो जा रहा है ना, NO2 में हाइड्रोजन ऐड हो जा रहा है जो कि NH2 बन जा रहा है, तो NO2 अवकृत हो जा रहा है। तो बोलेंगे जैसे कि नाइट्रोजन अवकृत हो गया तो क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन हटा और हाइड्रोजन जुट गया। सवाल ये रहा कि यह कोई ना कोई आएगा जो क्या करेगा, इसको हटाएगा, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन जुड़ेगा। जो हाइड्रोजन को जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। या कहीं पे तो दे दोगे यहाँ पे AlH4, ठीक है, इसको आप कहीं पे दे दोगे किसी भी कोने में तो यह कुछ नहीं करेगा, जाकर वहाँ पे हाइड्रोजन को जोड़ देगा और वह कंपाउंड आपका अवकृत हो जाएगा। क्लियर? इस बात को याद करके आपको चलना है, यहाँ से सवाल एग्जाम में आते हैं। क्लियर? चलो अब मान लो कि एनिलीन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक रिएक्शन हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, सेंटमेयर रिएक्शन। इसी एनिलीन को जैसे हम आगे रिएक्शन कराएंगे आपका NaNO2 और HX के साथ, तो डाइजोनियम साल्ट बनता था और बनेगा, और फिर उसको क्लोरोबेंजीन वगैरह आगे हम बनाएंगे। तो इस बात को ध्यान में लेकर चलूँगा, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।